गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 से संबंधित आज हम त्रिभुजों की सहन क्षमता के अंदर आगे पढ़ेंगे संगत भाग के बारे में। संगत भाग के अंदर सबसे पहले दो त्रिभुज लेंगे हम, दो त्रिभुज लोगे, दोनों एक जैसे होने चाहिए। ये है पी क्यू आर, ठीक है, ये है ए बी सी। अब इसके अंदर ये देखना है संगत भाग के अंदर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तब हम कहेंगे पी क्यू ए बी के संगत भाग है, यानी ये भुजा इस भुजा के ऊपर आ जाएगी। दूसरा पॉइंट है क्यू आर, ये जो क्यू आर है बी सी के है बराबर, इसके बी सी के ये संगत है इसके। और तीसरा पॉइंट है पी आर ए सी के बराबर है, पी आर ए सी के बराबर है। ये देखें, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरी तरह से ढक ले, तब हम कहेंगे ये संगत भाग इसके बराबर हो जाएंगे, तब हम कह सकते हैं ये सर्वंगक्षम है। यदि नहीं होते तो सर्वंगक्षम नहीं होते। ये आपके पॉइंट है भुजा से संबंधित, बताई मैंने बात, ये बात है आपकी भुजा से संबंधित। अब हम देखेंगे इसके कोण के अंदर कौन सा कोण किस कोण के बराबर है, कोण पी, ठीक है, कोण ए के संगत होगा, कोण पी ए के संगत होगा। फिर है कोण क्यू, कोण क्यू कोण बी के संगत, कोण क्यू कोण बी के संगत होगा, ये कोण के रूप में। और लास्ट में आपका कोण सी है इस त्रिभुज के अंदर, तब हम देखेंगे इसके अंदर कोण सी, ये कोण इस कोण के संगत। भुजा के आधार पर ध्यान रखना, ये भुजा इस भुजा की संगत बराबर है, ये भुजा इस संग इसके संगत है, और ये भुजा इस भुजा के संगत है। ये भुजा से संबंधित पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कोण से संबंधित, कोण के अंदर ध्यान रखना, ये कोण इस कोण के संगत है, ये कोण इस कोण के संगत है, और ये कोण इस कोण के संगत है। इस तरह से हम कह सकते हैं ये सर्वांगक्षम है। क्या है? सर्वांगक्षम। एक शब्द और है, वो ये है शीर्ष, शीर्ष के बारे में। अब शीर्ष कौन कौन से, जो बिंदु है स्टार्ट, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, इधर से ए है, ये बी है, ये सी है। तो शीर्ष के अंदर पी, इसके अंदर देखोगे ए, पी ए के, ये शीर्ष क्यू है, उसमें शीर्ष आ जाएगा बी, इसमें आर है, तो इसके अंदर होगा सी, शीर्ष के रूप में। तो शीर्ष में देखोगे ये बिंदु पी है, इस ए के है, ये क्यू है, ये इसके बी के अंदर है, और आर है जो सी के। ये शीर्ष के रूप में हम कहेंगे कि पी ए पर है, क्यू बी पर है, आर सी पर है। इस तरह से हम कह सकते हैं ये सर्वांग क्षमता है। क्या है? सर्वांग सम। किसी ने पूछ लिया क्या दोनों आकृति ऐसी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है, आकृति चेंज भी हो सकती है। क्या हो सकती है? चेंज। जैसे ये पी, सॉरी यहां लिख दो ए बी सी, अब मैं इसको नहीं देख रहा हूं, अब मुझे इससे करना है सर्वांगक्षम। उससे पहले आपको ये ध्यान रखना, प्रश्न के अंदर आपको जैसे दे देता है त्रिभुज पी क्यू आर बराबर सर्वांगक्षम है त्रिभुज ए बी सी, ये ध्यान रखिए। ये अलग है, ये इन दो त्रिभुजों से संबंधित है जिसके अंदर आपने पढ़ा भुजा से संबंधित पी क्यू ए बी के, रिवाइज करो मैं, पी क्यू ए बी से, क्यू आर बी सी से, और एस पी आर है ए सी के। ये भुजा के आधार पर है, कोण के आधार पर, कोण पी कोण ए के, कोण क्यू कोण बी की, और कोण आर कोण सी के।
और उसके बाद देखो कि सीड्स के रूप में पी ए है, क्यू का बी है, आर का सी है, ये सीड्स के रूप में, तब हम कहेंगे सर्वांगसम है, नहीं तो सर्वांगसम नहीं है। अब हम देखते हैं दोनों आकृति अलग अलग होंगी तो कैसे करोगे, आकृति यही है, यहां पर ही मैं चेंज कर रहा हूं आकृति को। ध्यान रखना ये त्रिभुज और ये त्रिभुज है, अब इसको कैसे करोगे सर्वांगसम। अब इससे पहले ध्यान करना, ये सर्वांगसम पहले से दे देगा आपको प्रश्न के अंदर। अब आपको ही ध्यान रखना, इसके अंदर नाप की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसी को ध्यान में रखते हुए ही करना है। त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी, अपने आप इसी से ही पता लगाना है हमें कि कौन किसके बराबर, कौन भुजा कौन सी है और बिंदु कौन सा है, शीर्ष कौन सा है और कोण कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं भुजा के अंदर, भुजा के रूप में हम देखते हैं तो देखो ये P है तो इसका A होगा, भुजा के अंदर ये इसके साथ में आ जाएगा तो P Q इसमें A B देख लो इधर। फिर क्या करोगे, ये भुजा के रूप में देख रहे हैं, फिर Q R इसके अंदर आएगा B C, Q R और इसका हो जाएगा बी सी, और लास्ट में क्या रहेगा, ये बिंदु P और ये यहाँ पर R है, इसमें A है और इसमें C है, तो P R सर्वांगसम A C, ये भुजा से संबंधित। अब इसी को ध्यान में रखते हैं कोण के बारे में, कोण के अंदर देखोगे कौन सा कोण किस कोण के संगत है, ये कोण A है तो कोण A का P हो जाएगा, P संगत है कोण A के, कोण P A के संगत है कोण Q तो किसके हैं, देखो इधर सेकंड नंबर पे B है तो कोण B हो जाएगा, और कोण के अंदर C देखते हैं, C का R है ठीक है। ये इस तरह से यदि दोनों आकृतियां एक इस तरह से बनी हुई, एक उल्टी आकृति दी हुई होगी तब उसके अंदर ही ध्यान रखना, ये सर्वांगसम पहले से कह देगा बराबर है सर्वांगसम में, ये इसका चिन्ह है ध्यान रखना, सर्वांगसमता का चिन्ह होता है एक बार देख लें इस तरह से होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भुजा के बारे में बताएंगे, पी क्यू ए बी के संगत है, क्यू आर बी सी के संगत है और पी आर ए सी के संगत है, ये भुजा से तब बने। कोण के अंदर देखते हैं तो कोण पी, कोण ए के संगत है, कोण क्यू बी के संगत और आर है जो सी के संगत। और यदि शीर्ष के बारे में बात करते हैं तो शीर्ष में देखो पी क्यू आर, इसमें पी क्यू आर है तो पी का ए है, क्यू का बी है और आर का सी, ये इसके संगत भाग कहलाते हैं। इस तरह से ये पॉइंट था, संगत भाग किस तरह से बराबर होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं, हमें ध्यान रखना भुजा और कोण को ध्यान में रखना, इसी से संबंधित संगत भाग किस तरह से होते हैं, इसी से संबंधित एक पॉइंट आ रहा है प्रतिबंध, यानी त्रिभुजों की सर्वांगसमता के प्रतिबंध कितने होते हैं वो नाम पता होने चाहिए, उसके बाद उसकी जानकारी लेंगे। ध्यान रखोगे नियम कितने होते हैं, प्रतिबंध कितने होते हैं। नियम कहो प्रतिबंध कहो एक ही है, सर्वांगसमता के प्रतिबंध, या कह सकते हैं इसके नियम कितने होते हैं, नियम होते हैं इसके चार। नियम है इसके चार, सबसे पहला नियम है एस 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 का नियम, सेकंड है
एस ए एस का नियम। थर्ड पॉइंट है ए एस ए का नियम, और इन सबसे अलग होगा आपका नियम वो चौथा है आर एच एस का नियम, आर एच एस का नियम। अब एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो सबसे पहला दिया हुआ है एस 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 का नियम। एस एस का नियम क्या होता है, एस का नियम क्या है वो ध्यान रखोगे। एस का नियम, एस का मतलब होता है साइड, हिंदी में बोलते हैं भुजा। तो नियम क्या बना, भुजा 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 नियम। एस 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 का नियम यानी भुजा 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 नियम। इसके अंदर ए में ध्यान रखना है, ए का मतलब क्या होता है एंगल, एंगल का मतलब होता है कोण, क्योंकि एस का मतलब समझ में आ चुका है क्योंकि पहले में समझा दिया पहले नियम में। तो नियम बनेगा भुजा कोण भुजा नियम। सेकेंड नियम है भुजा कोण भुजा नियम। थर्ड में देख रहे हैं अच्छी तरह से, कोण भुजा कोण नियम। यहां पर ध्यान रखना है आर एच एस, आर एच एस के अंदर ध्यान रखना है आर का मतलब होता है समकोण, समकोण कर्ण और भुजा। आर का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल। एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और एस का नियम मतलब होता है, हिंदी में लिख चुके हैं ध्यान रखोगे, एस का मतलब होता है साइड, आर का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेनस और एस का मतलब साइड या भुजा। समकोण कर्ण भुजा नियम, समकोण कर्ण भुजा नियम। ये चार नियम है, इन चार नियमों को ध्यान रखना है। सबसे पहला नियम है भुजा 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 नियम, दूसरा है भुजा कोण भुजा नियम, तीसरा है कोण भुजा कोण नियम, और चौथा है समकोण कर्ण भुजा नियम। इसमें आकृतियां देखेंगे पहले, ये भुजा ये भुजा और ये भुजा तीनों ही बराबर होगी। इसमें क्या होगा, दो भुजा, कोई भी दो भुजा बराबर होगी और उनके बीच में कोण होगा कुछ भी हो सकता है, कितने डिग्री का भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर है ये भुजा होगी और यहां पर इसी लाइन पर दो कोण बने होंगे जिसको कहते हैं कोण भुजा कोण नियम। और चौथा है, इसकी आकृति को देखोगे, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, एक कोण 90 डिग्री का होगा, क्या होगा 90 डिग्री का, इसलिए इसे कहते हैं राइट एंगल। दूसरा होता है हाइपोटेनस, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाती है हाइपोटेनस, या हिंदी में बोलते हैं कर्ण। और तीसरा पॉइंट है दिया हुआ इसके अंदर साइड, साइड का मतलब होता है भुजा, इसमें ये ध्यान रखना ये भुजा है। सामान्य से चित्र बना के समझना है कि कैसे होता है। अब उसके बाद क्या है कि इसके अंदर परिभाषा जो है डेफिनेशन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देख लो अच्छी तरह से ट्रिपल एस का नियम भुजा 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 नियम, एस ए एस का नियम भुजा कोण भुजा नियम, थर्ड नियम है एस ए एस यानी कोण भुजा कोण, और आर एच एस का मतलब होता है समकोण कर्ण भुजा, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये है समान समता के प्रतिबंध या नियम। सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे ट्रिपल एस का नियम। Thank you.
पहला नियम है एस 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 का नियम। एस सी दो आकृतियों में, ऐसी दो आकृतियों में एक त्रिभुज की, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं, तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की, दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के, भुजाओं के संगत बराबर हो, संगत बराबर हो। कैसे होता है एक चित्र से समझेंगे। ट्रिपल स्कैनिंग, ऐसी दो आकृतियों में एक त्रिभुज की तीन भुजाएं, दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के, दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के संगत बराबर हो। तीन भुजाएं लिखने की यहाँ जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर तीन भुजाएं तो इसमें भी तीन ही होगी। ऐसा नहीं कि एक में तीन है तो दूसरे में तीन नहीं है। लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तीन है, लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे क्योंकि इसके अंदर पहले आ चुका है तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के संगत बराबर हो, उसे ट्रिपल एस का नियम या भुजा 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 नियम कहते हैं। एक चित्र से समझेंगे, देखें अच्छी तरह से। देखो ए बी सी, ये पी क्यू आर, देखो ए बी पी क्यू के ऊपर होगा, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के ऊपर रखते हैं। रखने से ये पता करना है कि एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेता है तो सलंग समता, यानी नहीं ढकता है तो सलंग सम नहीं, तो ये नियम उसके ऊपर लागू नहीं होगा। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, पहला पॉइंट। ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। बी सी, बी सी क्यू आर के बराबर। और तीसरा है ए सी, ए सी बराबर है पी आर के। इसलिए हम कह सकते हैं ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। इस उसके बाद में लिखोगे त्रिभुज, नीचे लिखना है इसके जस्ट, त्रिभुज ए बी सी बराबर सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। इस तरह से हमें पता करना है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के संगत बराबर है तो ट्रिपल एस का नियम लागू होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे नेक्स्ट नियमों को। ओके, थैंक यू।